अस्सलाम वालेकुम, मैं शमैला वसीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और खुश होंगे जी। आप सबकी दुआओं से और अल्लाह पाक के करम से मैं भी ठीक हूँ और खुश हूँ। तो सुबह का टाइम हो रहा है, आज है नान की छुट्टी है, हफ्ते भर नान को स्कूल से छुट्टी होती है। तो अब हम बना लेते हैं नाश्ता। तो मुझे तो सुबह सुबह बहुत सर्दी लगती है, मैं तो सुबह उठते साथ अपनी शॉल लेती हूँ, अपना दुपट्टा लपेट लेती हूँ। तो चलाएँ फिर नाश्ता बनाते हैं। मैंने अपने लिए बनाया गोभी वाला परांठा और नहाने खाने जी ये बंद। ये हमने KFC की डील मंगवाई थी तो उसके साथ ये मिले थे, तो मैंने ना आंसर ना कैप्चर और अंडा मंगवाया। मैं तो तुझे इसके अंदर लगा के दे देती हूँ, दूर जरा खा लेना और मैं ना गोभी वाला परांठा खा लूँ। तो चलते हैं साथ से इसको बना के देते हैं, दबा देती हूँ और बातें भी करते हैं। छुट्टी है ना, नाम और जैफा दोनों ऐसे मेरे आसपास घूमते ही रहते हैं सारा दिन उन्होंने ऐसे करना। वो नान पीछे पीछे रहता ना, उसको देख कर जैफा भी बना, जैफा भी किसको ऊपर मुझे नहीं बुरी बात नहीं ना आने काम सुनने कह रहा मुझे शर्फ के ऊपर बैठाई चुना का कर भाई। सुबह सीन के साथ ही मैं नाश्ता कर लेती होती हूँ कभी कभी, वरना हम तो नान बोली बारिश के ऊपर ही चढ़ना। फिर 10:30 बज गए थे जब नान के आने का टाइम होता है, तो फिर आधे घंटे में काम कर लेती हूँ, आधे पौने घंटे में फिर नान आता तो फिर नाश्ता बना लेते हैं चलो। अब वो जब अभी का मैंने ऊपर चढ़ना वो कौन सा कम है, चलाओ तुझे भी चढ़ाओ चलो। ये दोनों के उल्टे काम देखे बिस्मिल्ला नीचे बैठ जाओ। नीचे बैठ जा, तब मैं इधर ही खाऊंगा बैठ। नहीं इधर नहीं खाना, उधर कारपेट पर बैठ के खाने है? इतना तंग करते हैं ना जब दोनों मिल जाते हैं, मोबाइल से बहुत लड़ाई होती है। बस ना तो देखा तो मोबाइल हो और मुझे दूसरा कोई बंदा ना नजर आए। नहीं मैं खुद ही करती हूँ, छोड़ दो देखा कि ऐसे ही तंग कर दिया। अभी नान कह रहा नानो घर लेके जाना, मैं ऐसे तंग कर दिया, मैंने नहीं नानो घर लेके जाना। तो मुझे कहता 10 रुपए दे दो नानो घर ना लेके जाना। ले लिया ना 10 रुपए, अब नानो घर नहीं जाना, नाश्ता कर लिया फिर चलते। आज मेरी सिस्टर ने भी आ रहा है मिट्टी घर रहने, फिर लोगों ने मिलकर देखना कितना तंग करना, फिर हमकी डांटती है बैठते ही है। पहले रोटी बना लो ना, तो फिर तुम लोग नहीं अपने लिए मैं परांठा बना लो ना, फिर वो पहले मैं अपना वही खाना। आए हाय गद्दे तूने तो वही खाना है, तो बोले जा पकड़ पहले मैं अपना वो खाना, पहले मैं अपना वो खाऊंगा। तुझे समझ नहीं आ रही क्या? मैंने वो पहले एक खाना पिज्जा बना, फिर वो गर्म होने में बड़ा टाइम लग जाता है, पता सर्दियां आ गई गैस की इतनी प्रॉब्लम हो रही है, गैस कम हो जाती है। वो मुझे देख रहे हैं सारे, मैं कह रहा ना कितना गंदा कैसे तंग करता है, कैसे तंग करता है। मेरा तो परांठा बनने वाला गोभी वाला, मैं नीचे बैठ दूंगा सर। तीन को भी सुबह गोभी वाला परांठा, मम्मा टेंटा की नहीं है नीचे बैठ देना, नीचे सुबह मैं 7:00 बजे मैं नान को स्कूल भेज के फिर ऑफिस के लिए नहीं को बना के देख के फिर मैं दोबारा सो जाती हूँ। फिर जब मम्मा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसने ऐसे ही बोलते रहना, जब इसको छुट्टी हो ना हफ्ते भर दिन ये कौवे खा लेता, भूखा ही रहता सारा दिन, तो मां खा के थोड़ी देर पहले इसको मार भी पड़ी, इतना तंग कर रहा था। मैं बाइक से धो रही थी, मारा जो बाइक कह रही है ना सबकी हफ्ते बाद बारी होती है, तो इस बार मेरी बारी थी, इतना मुझे तंग करता, फिर मैंने इसको बुरी बात चल जाए फिर देखना।
दबा दबाओ ये खिदमत है आपसे खराब हो जाने लगते नहीं आपको नहीं नहीं मेरा तो बन गई है रोटी मेरा कैसे गरम गरम रोटी बन तो बिन के बनाती है ना ला दो जल्दी से थोड़ा काड़ा, 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 काड़ा। नमक मिर्च डाल नमक मिर्च डाल दो ना उसके अंदर अंडे अभी किचन का काम मैंने कर दिया बर्तन वगैरह धोने वाले हैं आज थोड़ी लेट हो गई दोपहर के बाद भी धो रही थी इसलिए सारा छत भी सारे एक एक हफ्ते में बारी होता सब कुछ करना पड़ा आज मेरी बारी है तो इस वजह से आज घर का काम थोड़ा लेट हो गया अभी ये खा ले फिर मैंने और ना मेरी खाला की बेटी ने ना मेरे पार्लर का पूछने जाना है कभी आप ही मैंने भी पार्लर का सीखना मैंने कहा चलो आता तो हर बंदे को इतना पर अपने काबिल से आता इतना नहीं आता ज़्यादा तो मैंने कहा चल मैं हम चलते हैं मैं देखते हैं क्या कहते हैं मैं नाश्ता वगैरह कर लूँ ना फिर खाला के घर जाना फिर हम दोनों पूछ के आएगी पार्लर का करूंगी ना पढ़ाई तंग करता है ना कसम से बहुत तंग करता है पढ़ाई करते हैं नहीं अंडा बनाओ फिर जल्दी अंडा ही बनाने लगी हूँ जफा पीछे हो जाओ जफा अकेला था ना कसम से वो बेचारा मुझे तंग नहीं करता इतना अच्छा खेलता रहता मुझे पता ही नहीं होता मैं सुकून से अपना काम करता हूँ ना ना तो नाक में दम कर देता जफा कैसे देते जफा जी ना अंडा की बाजू दबाओ जब मैं स्कूल गया ये देखो कैसे बाजू की बात है नान दबाओ बाजू दबाओ बाजू सीधे करो नान भाई चलो बाजू दबाओ आई ला बड़ी आई हो रही मुझे भी बड़ी आई हो रही है बाजू दबा दो आई सीधे के बड़ा ये काम करता है वैसे भी ना सीन से कहते मैं तो भला है तुम्हारा बेटा था एक बेटी हो जाती तो कहता जाफा भी तो बेटी है इतने काम करवाती है जब हम खाना वगैरह खाएं नाश्ता करें जाफा सबसे पहले ना भाई जग रख के आता है फिर गिलास रख के आता है फिर चंगेरे लेके जाता है सालन लेके जाता है सबके लिए नाम बड़ा तेजा नाम बड़े काम करवा के देखा जा जाफा जा जाफी मामा से सालन लेके आ जाफी मामा से रोटी लेके आ बेचारा भागा अंदर आएगा भागा बाहर जाएगा ना फिर बैठो इधर बैठो ना फिर चलो जिन घंटा भी हो ओ तूने क्या करना है इसके साथ कुछ भी नहीं करना मैं तो इसे बस हल्का सा गरम कर दूंगी मैं जो करना है खुद ही करूंगा मम्मा जो मैं करूंगा वही करना मैं तूने क्या करना है मैं जो करूंगा वही करूंगा चाय नहीं मैं अभी बना रही मैंने आज कपड़े धोने हैं तो मैंने कभी कपड़े धो लूं फिर एक मिनट सबर कर जरा दोनों को बना के देती हूँ तुझे नहीं पता लगना मुझे पता है ऐसे बना देखा ऐसे जिद करता रहता है भी ऐसे बनाना था इसने भी ऐसे बनाना था मम्मा भी बर्गर सैंडविच के काम मम्मा क्या क्या मैं दे इधर ही बैठ आया भाई आया बा तू और बाद में लगा ली मुझे एक मिनट बाद तैयार करने देना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाद में स्विच लगाऊंगा मैं अपनी ज्यादा लगा लेती हूं मैं दीदी मेरी क्या करूंगा मैंने रोज ने जाना मुझे पार्लर का तब पता करने आप भी दुआ कीजिएगा कि अच्छा हो जो भी हो बस वैसे हमने पता करने जाना अगर हमारी समझ में आए तो इंशाल्लाह हम जरूर जाएंगे वरना घर में तो बैठे ही हुए अपने तो बस थोड़ा सा मेरा भी नाश्ता रहा अगर वो लोग भी करें जाफा तो कुछ भी नहीं खा रहा जाफा ने बस केचप पे जोर दिया हुआ है उसे वैसे भी केचप बहुत अच्छी लगती है तो बस मेरा थोड़ा सा नाश्ता रह गया कर लें फिर आपसे बात नाश्ता कर लिया तो मैंने कहा बर्तन धो लेती हूँ अभी नहीं सिपारा पढ़ने का टाइम हो अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है नए टीचर की घर में मारना आई हूँ इसलिए नहीं जाना वेलो पूरी बात ऐसे नहीं करते
क्यों करूँगा, पता नहीं इसको क्या है, बहुत तंग करता है, उल्टे सीधे काम, उल्टे सीधे पता नहीं क्या क्या करता रहता है, मुझे तो समझ ही नहीं आता। तो बस बर्तन धो लूँ फिर आप वीडियो स्टार्ट ही करेंगे, फिर पार्लर जाएंगे, आपको भी बताएंगे पार्लर वाली क्या कहती है। तो जब पार्लर जाएंगे फिर आना है पार्लर के घर से, तो फिर मैंने आके कपड़े धोने हैं, जिस कपड़े तो थोड़े से होते हैं, मैं थोड़े दिनों बाद ही मशीन में कपड़े धोती हूँ, फिर कम ही कपड़े होते हैं। तो हाँ सच पार्लर से मुझे याद आया, मैंने ना भाई की शादी के लिए ना बेसे मंगवाई हैं, जब अपना नान की बर्थडे थी ना की थी हमें 2 साल पहले, तब मैंने वो बेस ली थी 2500 की थी, और उन्होंने ना डिस्काउंट करके 100 रुपीज़ तो 2400 की दी थी नेमत खाने से, तो अब वही बेस मिली है 3300 रुपये की। तो मैंने कितनी मंगवाई हैं, 4 F1 मंगवाई है, और पता नहीं 45 है चाइन है, और मैं 2W मैंने 4 शेड मंगवाई है उसमें, तो मुझे पड़ी है 13000 रुपये की। तो मैं सोच रही थी कि इतनी महंगे बेसे नहीं है, और भी मेकअप मंगवाया, वो दूसरा मैं दराज से मंगवाया ना, वो भी थोड़े दिनों तक आ जाएगा। तो मैंने कहा इतनी महंगे मेकअप लिया है, इतनी चीज़ें लिया, तो इनसे तो एक ब्राइडल मेकअप तो लाजमी बनता है, तो जब भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को लाजमी दिखाऊंगी कैरलॉन के टीवी पे स्टिक और ओरिजिनल, और जो लेती हैं जिन्हें पता है वो तो देख के समझ आएगी कि ओरिजिनल है, और जिन्हें वो जिनको नहीं पता, वैसे पता था आजकल सबको ही है ओरिजिनल और फेक का, मेरे पास फेक भी पड़ी हुई है 2, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और जो मैंने 4 ओरिजिनल लिया और मिस रोज़ का भी मंगवाया, उसके भी लूज सेटिंग बॉर्डर आई लाइनर काफ़ी चीज़ें हैं, अब तो मैं भूल भी गई, उनकी भी मैंने ना एक 6 पैक वाला वो मंगवाया बेसें, और एक 2 वाली मंगवाई, जब आएंगी ना फिर इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी। तो मेरा पूरा इरादा है कि जब वो मेरी बेसी आएंगी तो उनके साथ एक ब्राइडल मेकअप करना है, पूरा ब्राइडल सेट पहन के लहंगा वगैरह पहन के, जारी बात है इतनी महंगी बेसें ली हैं तो उनका रिजल्ट भी तो पता लगे ना, उनका रिजल्ट क्या बाद में कोई रिजल्ट हो ना, तो अभी इतने पैसे ज़ाया कर दूँ, ये लिए हैं भाई की शादी के लिए, भाई की शादी आ रही है अभी थोड़ा टाइम है इसलिए मैं भाई की शादी की कोई बात ही नहीं करती, इंशाल्लाह जैसे भाई की शादी आएगी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। मैं सिर्फ एक ड्रेस वैसे ले आई हूँ माइयों का, वो खुद तो ऑर्डर भी हमने तैयार करवाया था ना, बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह, उस पर सारा हाथ का काम हुआ हुआ बहुत ज़बरदस्त है। तो मैंने जो ड्रेस अपना तैयार किया मेरा तो ऑरेंज और ग्रीन कलर है, और आमना का अभी हो रहा है, आमना का आ जाए ना फिर मैं आपको उसका भी दिखाऊंगी, वैसे मेरा तो बहुत प्यारा आमना पर मेरा तो बिल्कुल सेम है, हम दोनों ने सेम बनवाया मेरा ड्रेस तो आ गया, अभी आमना का नहीं आया, आमना का देखो कब आता, बहुत टाइम लगता है यार उसमें करने में, बहुत टाइम लग जाता फिर इसलिए वो लेट दे दिया मेरा भी, तो मैं 2-3 महीने पहले क्या कह रही थी, अब कहते मेरे पास बहुत ऑर्डर है। तो उसके साथ ज्वेलरी बनवाई है, वो भी मैंने हैंडमेड की ही बनवाई, बहुत ज़बरदस्त है, उसके साथ कुस्सा वगैरह जो मैंने कुस्सा पहना हुआ है वो भी मैं ले आई हूँ, ज्वेलरी चूड़ियाँ हर चीज़ में उसके साथ एक्सटेंशन यूज़ करनी है वो भी मैं ले आई हूँ, पर अब मेरा मूड बन रहा है मैंने कहा नहीं मैं कुछ और करूँगी ना माइयों, मैंने कहा चले मैं एक्सटेंशन रख लूँगी किसी भी काम आ जाए कहीं और, तो वो मैंने रख ली हुई है, मैंने कपड़े अपने पास नहीं रखे, देख देख के दिल भर जाता है, फिर अम्मी के घर रख के आई हूँ जो सूट माइयों का लेके आई हूँ ना, जब मैं लेके आई तो मेरे अब कहता इतना फैंसी इतना हैवी सूट ये किसका, भाभी के लिए, मैंने कहा भाभी का नहीं मेद है भी ओवर नहीं है, बहुत प्यारा है माशाल्लाह ना, पर हैवी प्यारा है, वो बंदा कहता ना हैवी ओवर वाला हैवी, वो वाला हैवी नहीं है, उन्होंने नीचे कैन शन लगाई हुई बड़ा अच्छा कवर किया, बहुत ज़बरदस्त है। तो इंशाल्लाह मेरे सारे कपड़े आ जाए ना फिर मैं एक मरतबा दिखाऊंगी, अभी नहीं मैंने दिखाने, अभी तो मैंने किसी को बताया अभी नहीं, मैं ड्रेस लेंगे बस मेरी बहनों को और मेरी फुफ्फा वगैरह को पता है, फुफ्फा और किसी को नहीं बताया, मैंने नहीं बताना, मैं बस ये चाहती हूँ तोबा किसी को नीचा दिखाने वाली बात नहीं है, ये ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं कहती हूँ दूल्हे की बहनें हैं हमारी ड्रेसिंग सबसे अलग हो, कि हमें जो देखे तो वो कहे हाँ ये दूल्हे की बहनें हैं माशाल्लाह तो इसलिए बस मैं चाहती हूँ कि सबसे ना डिफरेंट कपड़े हों हमारे, सभी अच्छे पहनते हैं माशाल्लाह, जारी बात है हर बंदा कहता है मैं जहाँ जाऊँ मैं बहुत प्यारा लगूँ, तो बस इसलिए मैंने कहा मैंने ले आई थी, मैंने सोचा था पहले मैं दिखाऊँगा अपना ड्रेस, मैंने कहा नहीं, बाकी वगैरह ने कहना सबने कहा ना तुमने पहले ही कपड़े दिखा दिए अभी शादी को तो थोड़ा टाइम है, तो फिर मैंने ना अम्मी के पास रखवा दिए, मैंने कहा सारे कपड़े हो जाएं फिर जब शादी में थोड़ा टाइम रह जाएगा ना फिर आपको दिखाऊंगी, अब बाजी मुझे कहती हूँ रीगा जाना है तो बस टाइम नहीं मिल रहा, मैंने ना अगले तकरीबन हफ्ते तक ना मैंने हॉस्पिटल जाना चेकअप करवाने ना, तो फिर बाजी के वहाँ से रीगा जाएंगे बाजी के घर के पास ही, आपको भी हॉस्पिटल लेके जाओगे ना, जाओगे ना जब अपना चेकअप करवाने तो फिर दिखाऊंगी, इतना अच्छा नीट क्लीन हॉस्पिटल है, और उसका ये सुबह जाना पड़ता 7 बजे तक, वहाँ पे जाकर पहले प्राइवेट है फिर भी ही जा दो हॉस्पिटल, पता होगा जो जानते हो उन्हें पता होगा,
इतनी लंबी लाइन में कल लगना पड़ता है, फिर बाद में जो पर्चियाँ खत्म हो जाती है टोकन नहीं मिलता, साथ में जाके बैठ जाओ फिर आपको पर्ची 11 बजे तक जाके आती है, बहुत मसला होता है। अच्छा दे दूँगी दोनों मिल जाए फिर बहुत तंग करते हैं, खेलो ना फिर भी तंग करता, जेल पकड़ो दूध। तो इंशाल्लाह आप लोग मुझे बताइएगा कि होना चाहिए ब्राइडल शूट के लिए, मैं खुद मेकअप करूँगी अपना, जाहिर बात है इतना महंगा मेकअप ही होता है, एक मतलब ट्राई तो करना चाहिए ना क्या उसका रिजल्ट निकलता है, मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि कैरेलोन की जो PSG के उनके पेन के वो तो आलना है यार, उनका रिजल्ट ही बहुत अच्छा है। वही मेरे कजन कहते हैं कि तुम भला पार्लर चली जाती है, तुम इतनी इतना महंगा तुमने मेकअप किया। मैंने कहा नहीं, पार्लर वाले को पता होता है कैसा तैयार करती हैं कैसा नहीं, अपना तो पता होता ना भी हाँ हम अच्छा मेकअप कर लेते हैं अपने आप को, तो इसलिए मैंने सोचा मैंने कहीं घर में ही तैयार होना है, खुद को भी तैयार करना, फिर अम्मी को भी करना है। मेरी जो छोटी सिस्टर वो तो होती है मेरे से आमना, वो तो किसी के पास नहीं जाती, हम जब उधर उधर अपने ससुराल में तो अम्मी के घर से मेरे घर आती थी तैयार होने, क्योंकि तेरे से ही तैयार होना किसी और से नहीं होना, बल्कि अब और भाई बोलते थे चलो जी पहले इसको छोड़ने आओ फिर इसको लेने आओ, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है। तो अब तो हम उनके घर के पास आ गए, वो बहुत फ़ायदा हो गया, कहती अब आप पास आ गए, जब कहीं जाना होगा या कोई फंक्शन होगा फिर आसानी हो जाएगी। अब मेरी फ्रेंड भी मुझे कहती कहती हमारी 2 शादियाँ आ रही, मैंने कहा मोस्ट वेलकम, जब भी आपने आना हो जब मर्जी आके तैयार हो जाए, मुझे खुद मेकअप करने का बड़ा शौक है, ये जब सेपरेट हुआ था ना उससे पहले ना चीज़ों लेने का शौक कम हो गया था, अब तो दिन रात सोचती ये ले लूँ वो ले लूँ ऐसे कर लूँ वैसे कर लूँ, बस ये मुझे कहते अब आप सही हो गई, मैंने कहाँ से मुझे पता लगे, मैंने कहा कैसे कहता बाकी दोबारा चीज़ें शुरू हो गई है, मेकअप लेना ये करना वो लेना, आप भूल गई थी सब कुछ, सही बात है जब अपनी तबीयत ठीक ना ना कुछ भी लेने को करने को दिल नहीं करता, तो मैं सही हो गई दादी से भी कहते, मैंने कहा मैंने आना ना तो बाजार जाएंगे, वो जो मैंने आपको मेकअप नहीं देखा खा लंडे का जो ब्रश वगैरह मिलते हैं उसके लिए, तो मैंने कहा मैंने उधर भी जाना उधर से भी थोड़ी सी चीज़ें देखना, एक मैंने क्रिम्पल लेना वो लंडे में से नहीं लेना, ऐसी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए ख़राब हो जाती, बंदा ब्रश वगैरह ले रहे और कभी बेस वगैरह बिना लंडे से ले, पता नहीं कैसा कैसा मेकअप होता है किसने किसने यूज़ किया होता है, तो बस मैंने क्रिम्पल लेना है वो भी शादी के लिए लेके रखना है, हाँ जो थोड़ी थोड़ी शॉपिंग करेंगे तो होंगे ना तैयारी, हमारा तो वैसे यही मूड था फरवरी में, बाकी आगे जो अल्लाह पाक मंजूर होगा तब होगा, तो हम लोग तो सब अपना यही मूड बना के बैठे थे भाई की जो हमेशा फरवरी में शादी होगी फरवरी या मार्च में, अब देखते हैं कब होती है। माइयों के तो हम सब सिस्टर का ना टोटली ड्रेस आया, मेरा और आमना का सेम है, बाजी ने भी डिफरेंट करवाया और आशा बाजी ने भी डिफरेंट किया, आमना का मेरा सेम है, मैंने तो यही कहा था सब बहने एक जैसे पहनते हैं, पर वो बाजी कहती मेरे बच्चे हैं मुझसे नहीं ऐसे कपड़े पहने जाते, आशा बाजी भी नहीं ऐसे कपड़े इतने पहनती, तो कहती नहीं तू पहन ले आमना पहन ले, तो मैंने कहा चलो ठीक है, बल्कि मुझे कहती तेरा इतना हैवी तो मैंने भी ये पहन लिया, मैंने कहा ना बाबा ना एक ही तो मेरा भाई है सारा शौक पूरे करने, मैंने कहा ये माइयों को ही पहन के जाएंगे जब भाभी को माइयाँ बिठाने जाएंगे, मैं अपने तो इतने विडमेट दिखाऊँ, मैंने इतने गाने डाउनलोड किए हैं इतने गानों पर डांस सीखा ये करना वो करना, भाई की शादी भी ऐसे करना वैसे करना, बड़े शौक चढ़े हुए हैं, अल्लाह पाक खैरियत से टाइम ले, एक ही हमारा भाई उसे दुनिया की सारी खुशियाँ दे, आमीन सुनवा आमीन। अपने बहन भाई कुछ चीज़ों का वैसे भी बड़ा इंतज़ार होता है ना, कि फंक्शन वगैरह मेरे भाई वगैरह का बहन का घर में ना बड़ा मज़ा आता, मेरी खाला वगैरह मुझे कहती कहती तेरा घर इतना बड़ा सुकून है, जो कोई भी आएगा तेरे घर में रह जाएगा, मैंने कहा मोस्ट वेलकम, मुझे किसी से कोई दराज नहीं, जो मर्जी आ करे, पर जब तैयार होना ना तब मेरे पास कोई ना हो कोई डिस्टर्ब करने वाला ना, सुकून से बंदा तैयार हो है ना, फिर बड़ा मसला हो जाता है ऐसे तैयार होने में। हाँ और मुझे किसी ने पूछा था कि आपके घर का रेंट कितना है, इसका रेंट है 9,500 यानी 9,500, अभी 10,500 होने वाला जनवरी में ना, हर जनवरी के जनवरी पर किराया बढ़ाते हैं 1,000 दिया तो फिर 10,500 किराया हो जाएगा, वैसे 9,500 है किराया इसका, घर के हिसाब से ना रेंट बहुत अच्छा है, पर मेरी कज़न आई थी कहती है आपका बाइक के लिए इतना गंदा इस हिसाब से ना रेंट बहुत ज़्यादा, मैं कह रही तो क्या करना हमारा घर तो सही है ना, कोई बात नहीं, मैंने कहा खैर है कुछ नहीं होता, बन नहीं जानी है सड़क एक दिन, हाँ 15 दिन तो अगर मेरे ख्याल से होगा, तोड़ फोड़ करके गए हमें इतना गंदा हो जाता घर में ना, बाहर से वो मिट्टी आती है बच्चों के पानी का, चलो जितनी देर वेट किया वो कर लेंगे, अब मेरे बर्तन भी धुल गया, अब मैं बच्चों को तैयार कर लूँ तो फिर हम लोग चलते हैं क्या खाला के घर। तो मैंने अपना सारा काम शाम ख़त्म कर लिया, मैंने बाया भी कर लिया,
और मैंने अपना बाया भी चेंज किया ऊपर से। जब मैंने शुरू शुरू पहना मुझे इतना अजीब लगा, मैं कैसे जैसे मुझे किसी ने घुटा बंद है। अम्मी कहती नहीं से नीचे से इतना खुला और ऊपर से ऐसे फिटिंग में है। चलो कोई बात नहीं, अभी भाई का भी फोन है, मैं फारे ही हूँ। तो कहता आशा बाजी आ गई तो ना आ जाओ, कह रहे हम तो मैंने कहा बाजी से क्या आ जाओ। कहता वो कह रही तीन बच्चे छोटे छोटे, उनको मैं कैसे उठा के लाऊं, और मैं रोमी जा रही हूँ दरबार पे सलाम करने जाना है, तो आप आ जाओ, आप पहले खाला के घर चलते हैं, वहाँ से फिर पार्लर का पूछ के जल्दी से अम्मी के घर जाएंगे। तो मैं बैक एंड राउंड करके दिखाते मैंने इन लोगों को तैयार कर दिया। वह मैंने ये दोनों खेल रहे हैं, आप दोनों को लेके चलती हूँ, लाइट ऑन करती बहुत अंधेरा। और मैं आपको दिखाती हूँ, गुजरात को आई थी, मुझे कहती फॉर्मन शीटें और कंप्यूटर शीटें लाए, फिर मैंने रखी हुई थी, तो उसने ये रात को आके ना बटरफ्लाई लगाई। काटी तो हमने काफ़ी दिनों की थी, बस टाइम नहीं था मिल रहा, फिर हमने रात को लगाई। तो हनान साहब को कैसे बर्दाश्त हो कि मामा ने कर लिया और वो ना करे, ये देखे जो फ्लावर थे उसने वो गन के साथ खुद ही अपने सारे अपने ना एक्स्ट्रा रजिस्टर के ऊपर लगा लिए। चलो आ जाओ चलें, अब दोनों को देखें, अब सही लग रहे हैं ना, तब लाइट कम थी, ऐसे थोड़ी पहन दे, कितनी प्यारी लग रही है ना। मैंने दराज पे देखी थी, मैंने सोचा था मैंने मंगवाऊंगी ना वो दूसरी शाइन वाली है, पर ये हमने पहले ही कट करके रखी थी, तो मैंने कहा चलें अब यही यूज़ कर लेते हैं। तो चलाएँ फिर चलते हैं जी खालना के घर। चलो जैफे, चलो भाई, चलो हनान उठो, फीटर पकड़ो, उसके अंदर और दूध डालो, फिर चलते हैं। चलो चलें, चलो जी चलते हैं, इनका फीटर के अंदर थोड़ा दूध डाल लूँ तो फिर हम लोग चलते हैं, तो फिर खाला के घर जाके मिलेंगे। हनान जाओ वो उधर देखो, वो तो गली में पार्लर है, वो खुला हुआ, जल्दी देखिए, फिर उसको बुलाते हैं, फिर चलते हैं खाला का घर। तो आ गए खुला हुआ है, चला आ जाओ। आगे खाना के घर चलो, मैं सीढ़ियां चढ़ते ना ही साग की खुशबू आन लग पी। मैं तो घर दिखा रही हूँ आपका। अस्सलाम वालेकुम, क्या रहे हैं? मैंने पूछा था पार्लर का काम भी सिखाती हूँ, लेकिन कोई वो इतने पैसे खर्च नहीं करता। हाँ पैसे सीखना दोनों ने, मेरी कजन और मैंने। कहाँ से है? ये अंकल हैं जो उनके ग्रैंड पे घर नहीं है, जो साथ वाला अंकल है, उनके घर के मकानों में रहते हैं हम लोग। ये जो ये टोलू, हाँ जी, दोनों ने सीखना मुकम्मल सीखना मुकम्मल। तो क्या चार्जेज है आपके? अगर आपने मुकम्मल सीखना है, पूरा आल टू आल सीखना है, तो फिर आप दोनों जो है ना 40-50 हज़ार रुपये दे दें। 40-50 हज़ार। और अगर रिबॉन्डिंग स्टिकिंग ये वो हर चीज़ सिखाऊंगी। अच्छा अच्छा, सही है। अब हम जा रहे हैं नानकी नाना घर, उसने तो कहा है हमें 40-40 हज़ार, यानी कि 80 हज़ार मेरा और अरुज का। रेंजर में भी स्कूल है यार, उसकी टाइमिंग है सुबह 8 से 1 बजे तक, उधर भी जा सकते हैं, वो स्कूल है प्रॉपरली ना, उसकी फ़ीस 2 से 3 हज़ार तकरीबन मेरे ख्याल से महीने की ना। पर जैफा का कौन संभालेगा इसका ना, ये जैफी का बड़ा मसला हो जाना। तो चलें फिर, और उसको घर भेज दिया, अब हम जा रहे हैं अम्मी की तरफ, वहाँ पे बाजी हुई हैं, फिर वहाँ पे थोड़ी देर बैठ के वापस आ जाएंगे, क्यों ना क्या नान है 2 बजे सपारा पढ़ने जाना है। 2 बजने नहीं, अभी बहुत टाइम है 2 बजने में। हम अम्मी की तरफ आए हुए हैं, और ये देखें बच्चे इंजॉय करें। जानू क्या हुआ इसका, प्यार सब कहते हैं जानू, लो जी जानू शर्मा आ गया। तो अभी हम लोग घूम फिर के आ गए, जहाँ जहाँ जाना था वहाँ से होके आ चुके हैं, तो हनान के सपारा पढ़ने का टाइम हो गया, इसलिए मैं अम्मी के घर से आ गई। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो आने तक अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।